It's the thing I eat when I'm starving. All right. So, हाँ जी आप कर लीजिए कर लीजिए. तो कांग्रेचुलेशन द मैरिड वुमेन. बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेलर है जिस तरह से. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद द मैरिड वुमेन का. लाइक जिस तरह से ट्रेलर आया एंड बहुत ही अप्रिसिएट किया जा रहा है एंड नॉवेल है उसके ऊपर सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद द मैरिड वुमेन को लेकर. एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही लंबा ये दैट दिस क्वेश्चन इज लाइक कहाँ से शुरू करूँ. इट वाज अ एनरिचिंग वेरी कथार्टिक बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर एज अ पर्सन यू नो. क्योंकि आई थिंक बहुत ज़रूरी कहानी है और मैं बहुत खुश थी कि I was getting to be a part of a story like this. You know, एक ऐसी कहानी सुनाने का मौका मिल रहा है, उसका पार्ट होने का मौका मिल रहा है जो बहुत sensitive है और बहुत relevant है. चाहे कहानी based 90s में है लेकिन you know, पीपलिका, आस्था, हेमंत, एजाज, ये इतने interesting characters हैं कि आपको society में दिखते हैं ऐसे लोग और उनके perspectives दिख रहे हैं आपको. बिल्कुल प्रीची नहीं है शो. सो द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ इट कमिंग आउट इट्स ऑल बीन वेरी वेरी एनरिचिंग पर्सनली यू नो. बिना कुछ कहे हम बहुत कुछ कह रहे हैं. सो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है यू नो. इवन हमारी प्रमोशंस जिस तरीके से हो रहे हैं आई फील लाइक यू नो जो हम पोस्ट्स और वट एवर वी आर पुटिंग आउट और वट एवर पीपल आर रिसीविंग प्रोमोज आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक In a very silent way, we are saying a lot of things. I don't know. I feel that. So it's been a pretty enriching experience. It's so hard for me to speak Hindi, but okay, I'm gonna try. मेरे लिए बहुत लंबी कहानी है. This time, I feel like the married woman कहानी जो है सिर्फ मेरे लिए है. You know, ये role, ये chance जो मैं मिल रही हूँ, मैंने सोचा like बहुत सालों के लिए कि मैं एक्टिंग करूं कि नहीं, ये करूं कि नहीं. ये बहुत क्लियर है कि द मैरिड वुमन इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल. इट्स समथिंग आई वांट टू डू. कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे अंदर. मैं बिल्कुल क्लियर हूँ. और लाइक जस्ट फॉर दैट मच मैं पूजा करती हूँ हर दिन कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यू नो. एंड रिधि इज़ सच अ फाइन एक्टर. सुहास राजा अमेजिंग डायरेक्टर. Yeah, sorry, Sahir Raza. Why did I say it? But Suhas is also amazing as Hemant, so I'm mixing everything in my head. But everyone, har cheez jo iske andar hai, art direction, director of photography, direction, acting, even the presentation, the promotion, everything feels just right. You know, Rithi, the married woman, so jo journey hoti hai ek married woman ki, jaisa ki trailer mein humne dekha like 2 saal bahut hi, to aap bataiye ye jo journey hai kaise start hoti hai is married woman ki, ki 2 saal bahut hi interesting hota hai and uske baad 5 saal aur then uske baad fir right, to ab that line yeah, kaise ye journey start hoti hai married woman. मतलब मैं क्या बताऊँ, देर आर सो मेनी मैरिड वुमेन. वो शायद जब वो डायलॉग देखेंगे उनको लगेगा हाँ बिल्कुल सही कह रही है. नो इट्स आई जस्ट फील लाइक हम आस्था को स्पेसिफिकली फॉर मी आस्था को एक ऐसे पॉइंट पे मिल रहे हैं उसकी लाइफ के जहाँ वो अपने आप से बहुत सवाल पूछ रही है. वो सोसाइटी की जो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है यू नो चलने का उसको वो क्वेश्चन कर रही है, उसको वो एड्रेस कर रही है. इवन जो आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं शी इज़ गिविंग अ स्टेटमेंट ऑन सोसाइटी कि यू नो ऐसा होता है एंड शी सेइंग इट इन अ वे विच इज़ वो उस मोमेंट के बाद जाके वो यू नो गैस पे कुकर की सीटी कम कर रही है. सो शी इज़ कंटिन्यूइंग टू लिव दैट लाइफ बट शी इज़ रिफ्लेक्टिव. तो मुझे लगता है कि एंड अगर पीपलिका का कैरेक्टर भी आप लेंगे तो you get an insight into different people's minds and married woman ki kahani sabki kahani alag hoti hai. Everybody has a different way of looking at their lives. They have their reasons to do what they do you know. But main hamesha ek cheez bolti hu ki as individuals, as a woman, as a person, I want to own my choices.
यू नो, सो वो बहुत ज़रूरी है. चाहे आप एक मैरिज में हो जो सोसाइटी को बहुत एक्साइटिंग ना लगे या आपको लगता है कि बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील फॉर एवरी इंडिविजुअल. सो शादी कैसी भी हो पर अपनी चॉइसेस जो हम मेक करते हैं, यू नो, हम रोज़ सुबह उठते हैं, मैं खाना बनाऊंगी, मैं अपने पति का ख्याल रखूंगी, यू नो, माय हस्बैंड इज़ अर्निंग वेरी वेल बट आई विल बी द मैरिड वुमन. यू हैव टू नो योर चॉइसेस. आप किसी और के लिए मत करो, आप किसी के प्रेशर में मत करो, किसी को प्लीज़ करने के लिए मत करो. अगर आप खुद करना चाहते हो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, यू नो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बींग अ मैरिड वुमन हु इज़ इन अ हाउस 24/7 वर्किंग इफ़ शी इज़ डूइंग इट फॉर हर सेल्फ, यू नो, ये मुझे लगता है. सो या दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जो चाहे वो कर सकते हैं. सो द मैरिड वुमन की कहानी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें. आई मीन, ओके, व्हाट कैन आई से, इस कहानी में चार लोग हैं, लेकिन दिस इज़ फन फॉर मी, लेट मी ट्राई. लेकिन उसमें ही दो लोग हैं. रिद्धि प्लेज आस्था, आई प्ले पीपलिका. एंड आप पहले से अगर आप देखोगे ना, आप सोचोगे कि इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है. लेकिन लाइक जैसे रिद्धि ने कहा कि हर कहानी अलग है, उसमें ही किसी ना किसी चीज़ यूनिवर्सल है कि हम सब लोग खुश चाहते हैं, प्यार भी चाहते हैं. वी वांट टू बी एक्सेप्टेड, वी वांट टू बी सक्सेसफुल. एंड आई थिंक इन दैट प्लेस वेयर वी ओवरलैप ऑफन, इफ वी फाइंड समवन हु मेक्स अस बेटर, देन वी फॉल इन लव. एंड आई मीन, यू फॉल इन लव ऑफन. आई से दिस ऑल द टाइम कि हम प्यार हो जाते हैं जब हम एक रिफ्लेक्शन देखते हैं जिसमें ही हम like odd, like I'm more than I thought I was in the reflection of this person. Yeah. And I think between Asta and Piplika, that happens, and it happens, and it happens exponentially. And so even though you think this love has no chance, somehow it just keeps expanding, you know? And that is a really beautiful thing to witness, because essentially you're saying that love breaks down every wall and takes you to places you never expected. And what can be more beautiful than love? Yep. You know? Riddhi ji, you know, love jo hai, ab hum dekhte ki hamari society mein kisi ke bhi beech mein ho sakta hai, chahe wo do women ke beech mein ho, do men ke beech mein ho, and ab to court mein bhi bol diya hai ki ye sab legal hai, lekin iske alawa bhi hamari society mein dekhne ko milta hai ki log ise देखते रहे. आई फील लाइक यू नो, लोग तो जज करेंगे, यू नो, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही आ रहे हैं. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट लाइक आई सेड, यू नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर चॉइसेस. एंड येस, देर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ लेटिंग इंडिविजुअल्स बी. देर शुड बी, यू नो, वी लिव इन अ फ्री कंट्री and a free world. Mm-hmm. And we should let people be, you know. Aapko koi cheez, everyone has their reasons to not like something or like something. Mm-hmm. You're allowed that. You know, agar aapko koi cheez pasand nahi hai, theek hai, aapko pasand nahi hai, but that doesn't mean that you stop another person from being who they are. Mm-hmm. That's all I feel. I've been saying it a lot, that मैं लेबल्स में विश्वास नहीं रखती. और जब आप लेबल से परे हट के लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितनी सिमिलैरिटी है, यू नो, लोगों में, हर इंसान में. हम सब इमोशन से बने हैं. वी आर ऑल मेड ऑफ द सेम इमोशंस. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन अ मैन लविंग अ मैन, अ वुमन लविंग अ वुमन, और बीट एनी थिंग, यू नो. We, the universal, the emotions we share are also universal and so personal, you know. Koi aisa nahi hai jo hasta na ho ya rota na ho ya gussa na hota ho, jisse pain na hota ho. To jab aap kisi ka pain samjhenge, aap usko appreciate karenge, us insaan ko. And I feel like we give too much, hum bahut tawajjuh dete hain labels ko. Uski wajah se bahut problem hoti hai.
तो आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टार्ट बींग द फर्स्ट पर्सन टू से आई डोंट वॉन्ट टू अक्नॉलेज लेबल्स आई डोंट वॉन्ट टू बिकॉज मुझे उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है इन माई थॉट इन माई स्पीच और इन हाउ आई एड्रेस ऑल्सो एनी थिंग एनी वे बिकॉज इट्स पॉइंटलेस हम जितना यू नो एक उस तरफ जाते रहेंगे फिर हम वहीं घूम जाएंगे लेट्स लुक द अदर वे लेट्स लुक टुवर्ड्स लव एंड ह्यूमैनिटी दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सो दैट्स व्हाट आई फील या आई फील लाइक वो लव इज यूनिवर्सल एंड लव कॉन्कर्स ऑल एज द क्लिशे सेज बट आई थिंक जजमेंट्स कम फ्रॉम फियर एंड ऑफन वी जज थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड which is where shows like The Married Woman, but many things, I mean, art in general has an important role to play in telling stories that help people understand. And once you understand that, like, oh, okay, aisa hota hai kabhi bhi. Maine sochta hi nahi ki aisa ho sakta hai. Yeah. Once you do that, then people's minds open. You know, when we say, you know, आप क्या सोचते हो कि कोई चेंज हो रहा है कि नहीं आज ठीक है औरतों के लिए लाइक 90 से व्हाटएवर इट्स लाइक या इट्स बेटर बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट्स बेटर इज बिकॉज वी आर फाइनली शेयरिंग दीज स्टोरीज देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइज अ वुमन नॉट गेटिंग मैरिड नॉर्मलाइज अ मैन लविंग अ मैन नॉर्मलाइज अ वुमन लविंग अ वुमन normalize these things you know jab main choti thi maine papa meri papa mera papa mere papa ne kaha ki agar aap singer banaogi na no one will give you respect lekin now he's like I'm so proud of my daughter you know aisa hota hai society mein jab log judge karte hain wo darte hain ki you know something I've never seen this before ye kya hai main samajh nahi aa raha hai aisa mat karo So through these stories, we say this happens, and you know it's okay, and that's it. It's really that simple. Wow. Mm-hmm. And, you know, Aditi, ये एक novel पर based है, and बहुत पहले book आ चुकी है now. इस पर और बात करते हैं. आप बहुत बोल रहे हैं कि ये top notch history में. जब पहले बताया गया आपको कि married women पर ये book है, आप लोगों को acting करनी है. But what was your first reaction and तो कितना आप प्रिपेयर किया आप लोगों ने अपने इस किरदार के लिए तो जो आपको पहले बताया गया डिड यू रीड द बुक नो ओके आई हाँ मैंने पढ़ी थी सो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं एज एन एक्टर इवन लाइक इवन व्हेन आई डन टेलीविजन मैं बहुत सवाल पूछती हूँ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ अबाउट द कैरेक्टर अबाउट हर इक्वेशन विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड व्हाई इज शी डूइंग दिस व्हाई इज शी थिंकिंग लाइक दिस आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो मैं बहुत खुश थी जब मुझे बुक पकड़ाई सबसे पहले तो मैं खुश थी कि ओ माई गॉड आई एम प्लेइंग दिस यू नो आई एम दिस इज आई रेड द बुक आफ्टर द स्क्रिप्ट आई हैडंट रेड द बुक बिफोर द स्क्रिप्ट आई आल्सो रेड इट या व्हेन इट टोल्ड मी या So firstly I was very excited क्योंकि as an actor मेरे previous मैंने web show जो किया था असुर उसके बाद मुझे रोका गया था कि कुछ और मत लो रुको अच्छा काम मिलेगा you know you're a good actor you'll get good work so don't take up anything in a hurry you know honestly आपको नहीं पता खुद को कि आप you know is it worth it should I wait mm-hmm. should I just work should mm-hmm. I just do something because ek awaaz ye bhi hai sab log bolte hain ki you know out of sight out of mind yeah, so you'll disappear which I don't care about I'm yeah. like it's okay let me go out of sight I don't yeah. care yeah but so when I got the book firstly I was deeply grateful kyunki mujhe laga ki mera my wait was worth it Mm-hmm. I took the risk of sitting at home and waiting for what I didn't know. At that time, I didn't know ki kya mujhe milne wala hai. To jab book maine dekhi sabse pehle to main bahut khush thi ki oh my god it's the title role aur फिर मैं और भी ज़्यादा खुश थी कि मुझे एक पूरी नॉवल मिल रही है ऑन कैरेक्टराइजेशन ऑफ आस्था सो आई हैव नो क्वेश्चंस लेफ्ट ऑल माय क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बिकॉज आई विल नो हर कम्प्लीटली So I did read all of it because somewhere in between mujhe bol diya gaya tha ki it's based on the book it's right. not the book mm-hmm. so I didn't want to read it completely I wanted us to have our own way of telling the story but yes I did read a big chunk of the book mm-hmm. I did mm-hmm. yeah I had well the script
I didn't even read the script at first. I was just narrated to. And narration ke baad maine socha ki ye kahani bahut achhi hai, but I need to know more. Kyunki bahut sari cheeze usme, like, where I thought, this is controversial, maybe, you know, do I really want to come back as an actor with something so controversial? Then I read the script. Then the script was amazing. Then I read the book. The book is very different from the show. Yeah. Very, very different. But no matter what, the thing that I really resonate with is female characters who represent a journey of the fact that we can think we're so different from one another when truly we're actually the same. Yeah. And those are things that I really resonate with. Really resonate with. Wow. All right. And 8th of March is streaming ho rahi hai, and 8th of March Women's Day bhi hai. So mm-hmm. fans ke liye kuch kehna chahenge? I would just like to say, both of us actually would just like to say ki please the married woman ko ek shot dijiye, you know. You know, give it a shot, watch it. It's coming out on Women's Day. Yeah. Reason hai Women's Day pe hum the married woman leke aa rahe hain, and har hamari society bahut relevant hai ye show bahut. In fact, when I was doing the show, when I was doing the scenes, mujhe kabhi nahi laga ki main dialogues bol rahi hu. Yeah. I mean, कभी कभी लगता था कि ये वर्ड क्यों बोल रही हूँ, बट दैट्स बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू थिंकिंग इन इंग्लिश दैट वी डोंट स्पीक हिंदी सैडली, वी डोंट स्पीक हिंदी सो मच, एंड यू नो, एटलीस्ट फॉर मी. बट मोस्टली आई फेल्ट लाइक दिस इज हाउ वी थिंक एंड दिस इज हाउ वी टॉक टू ईच अदर. सो बहुत रेलिवेंट, बहुत ईजी शो है, फैमिली शो है. आई वुड से, यू नो, सिट एंड वॉच इट विद योर फैमिली, देयर इज नो हार्म. थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग है आपको, मतलब ऐसे होगा. बट इट्स एंटरटेनिंग. हमारे डायरेक्टर ने इतना अमेजिंग काम किया. ही इज मेड द शो सो लाइवली एंड सो, यू नो, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन द शो, इवन दो यू मे फील लाइक इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इट्स अ वेरी, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी दैट, यू नो, इट्स लुकिंग वेरी क्रिटिकल काइंड ऑफ अ शो, बट इट्स एक्चुअली got a lot of family, it's got a lot of elements of entertainment also in it. Yeah. And bahut, there's a lot of lightness to the show. It's like a, I call it a warm hug or like a soft breeze. That's how I look at this show. So please watch it. Yeah, humne pura dil dal diya usme. Seriously. So please watch karo, support karo. Yes. And happy Women's Day. Yes. This there's a poetry in The Married Woman releasing on this day, so we love you. We love you. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Thank you, Arun. Thank you.